हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। जब तक हमारी क्रेविंग्स किल नहीं होती तब तक हमारा वेट लॉस जर्नी स्टार्ट ही नहीं हो पाता। अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी में हो और आपको बार बार क्रेविंग्स हो रही है फूड की, कि आपको ये खाना है, आपको वो खाना है, आपको ये चीज़ मिस हो रही है, या आपको फीलिंग होता है नहीं यार मुझे उसका टेस्ट मिस हो रहा है, उसकी 2 बाइट ले लूँ उस वाले फूड की तब चल जाएगा, या फिर बाहर जाके कुछ खा लूँ तो चल जाएगा। अगर आपकी क्रेविंग्स ख़त्म नहीं होगी तब तक आपका वेट लॉस जर्नी स्टार्ट नहीं होगा। सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपकी क्रेविंग्स को किल करने के लिए पिज़्ज़ा, वेट लॉस पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही सिंपल है बनाना, बहुत हेल्दी है टू बी ऑनेस्ट। इसमें एक चीज़ है, इसमें मैंने चीज़ यूज़ करा है। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में, लंच में हम ये ले सकते हैं, वो भी वंस अ वीक। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है और आपका मन है कि नहीं मुझे तो कुछ ऐसा सा खाना है जिसमें चीज़ हो, या फिर कुछ पिज़्ज़ा हो, पास्ता हो, या फिर बर्गर्स टाइप हो, और आप चाहते हो कि नहीं मेरे चीटिंग तो होए उसके साथ साथ मेरा वेट गेन भी ना हो और मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करूँ, तो उसके लिए ये रेसिपी बेस्ट है। ये जो रेसिपी है आप बहुत ही क्विक है बनाना, बहुत ही ईजी है बनाना। आपके पास जोन सी भी वेजीज़ हैं आप उसके साथ ये रेसिपी यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैंने इसमें हमस लगाया था क्योंकि मेरे हमस बचा हुआ था और मेरे घर पे था। आप ग्रीन मिंट चटनी आप लगा सकते हैं, टमाटो चटनी आप घर की बनी हुई लगा सकते हैं, इसमें जिंजर का पेस्ट अपना घर का बना हुआ नींबू के साथ आप लगा सकते हैं। हमस सबसे बेस्ट रेसिपी है इसके लिए, जो कि मेरे को लगता है बेस्ट है। मैंने बहुत ही वेराइटीज़ के हमस घर पर बना के रखती हूँ, ऑलिव वाला हमस, गार्लिक हमस। अगर आपको इनकी रेसिपीज़ चाहिए आप मुझे कॉमेंट करो नीचे, मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ रेसिपीज दूंगी। नेक्स्ट, ये जो पिज़्ज़ा है ये कोई भी खा सकता है। मेक श्योर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई ना हो। सो आप चलते हैं हम किचन में और बनाते हैं रेसिपी। ओके, सो सबसे पहले हम बनाते हैं बेस। सो यहाँ पे मेरे पास है रागी का आटा, ये मैंने डाल दिया। सेकेंड, ये मेरे पास है ज्वार का आटा, ये भी मैंने डाल दिया। ये है मेरे पास फ्लेक्सीड, ये थोड़े पिसे हुए भी मैंने मिक्स कर रखे हैं, आधा चम्मच जितने मैंने फ्लेक्सीड डाल दिए। नेक्स्ट, यहाँ पे मेरे पास है गरम पानी, ये मैंने डाल दिया, इसमें खौलता हुआ गरम पानी। खूब अच्छे से इसको मिक्स करा। अब इस आटे को हम रेस्ट करने देंगे 10 से 5 मिनट ऐसे ही बिखरा हुआ। 10 मिनट के बाद ये रहा घी मेरे पास, ये मैं अपने हाथ पे ले लूँगी। सो ये रहा हमारा डो, हमारा बेस का आटा, और ये बिल्कुल रेडी है। हम यहाँ पे ये जो पेड़ा लेंगे थोड़ा सा हेवी लेंगे। अब हम इसको शेप देंगे गोल, मन की संतुष्टि के लिए, नहीं तो आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हो ओवर। थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा ना, पिज़्ज़ा वाली फीलिंग आ जाएगी, है ना। सो ये हमारा बेस है, और देखोगे तो ये बहुत ही थिक है। इसको पहले अभी हम पकाएंगे, सिर्फ इसको पकाएंगे अभी हम। सो ये मेरा पैन जो है ये गर्म हो रहा है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा घी। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा बेस। इसको हम पकने देंगे सिम आंच पे, दोनों साइड से। दोनों साइड से पहले हम इसे पकाएंगे सिम आंच पर। इस बेस को हम ढक कर पकाएंगे सिम आंच पे, ताकि ये पूरा अच्छे से पक जाए। ओके, सो ये जो रोटी आधी कच्ची आधी पकी हो चुकी है हमारा बेस। अब मेरे पास है ये होममेड हमस। आप हमस यूज़ कर सकते हो, मार्केट का हमस यूज़ कर सकते हो, लेस ऑयल वाला, या फिर आप ग्रीन मिंट चटनी यूज़ कर सकते हो, या फिर घर की बनी कोई भी बेस चटनी जो हो आप वो यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। सो मेरे पास हमस बना हुआ था बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है, सो मैंने हमस लगा रही हूँ यहाँ पर, स्प्रेड कर रही हूँ। एंड अगर आपको हमस की रेसिपी चाहिए जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इंस्टाग्राम पर एक रील डालूँगी उसका। अब मेरे पास है वेजीज। वेजीज में मेरे पास है कॉर्न, ये हम कॉर्न यहाँ पे लगा देंगे। कोई भी सब्ज़ी जो भी आपके पास हो, जो भी इजीली आपके पास मिल रही हो वो आप लगाएंगे। गैस बिल्कुल धीमी आंच पर। थोड़े से प्याज, ये अच्छे, थोड़ी सी शिमला मिर्ची मेरी, ओके, थोड़ी सी गाजर, नेक्स्ट मेरे पास है ब्लैक ऑलिव्स, थोड़े से ऑलिव्स, ये ऑप्शनल है, मिले तो लगा लो, नहीं मिले तो मत लगाओ जी। अच्छा जी, ये भी हो गए जी, बढ़िया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है मेरे पास चीज़ स्लाइस, ये है चीज़ क्यूब और ये है अमूल का, ये हम इस पे डाल देंगे ग्रेट करके अच्छे से। ओके जी, गैस बिल्कुल हम सिम रखेंगे, नामात्र जितना गैस। इसके ऊपर हम डालेंगे हल्का सा नमक, हल्की सी कस्तूरी मेथी, दैट्स इट। अब इसको हम पकने रख देंगे इस पे सिम आंच पे 3 से 4 मिनट तक, बिल्कुल ना मात्र सिम आंच पर। ओके, लेट्स चेक इट। ओके, ये कुक हो चुका है और बहुत अच्छे से। ओके, लेट्स कट दिस नाउ। रेडी। वेलकम बैक जी। सो ये जो रेसिपी है, ये जो हमारा वेट लॉस पिज़्ज़ा है, ये सिर्फ आप अपने मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में ले लीजिएगा या फिर लंच में ले लीजिएगा। डिनर में कतई इसको ऐड मत कीजिएगा आंटी, अनलेस आपके घर में कोई पार्टी ना हो और आप अपने गेस्ट को कुछ हेल्दी सा खिलाना चाह रहे हो, तब डेफिनेटली आप इसको ऐड कर सकते हैं। दिवाली है, मेक श्योर आप सिर्फ दिवाली वाले दिन डिनर में घर का अच्छा खासा बना हुआ खाना खाएँ। दिवाली पार्टीज़ पर अगर जा रहे हैं, आपका वेट लॉस जर्नी है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपका वेट लॉस जर्नी है, ये सिर्फ 15-20 मिनट की चीज़ होती है, खाना खाना और टेस्ट लेना और अगले दिन की पूरे दिन की गिल्ट में जीना, ये दोनों ना बहुत भारी पड़ेगा आपको। इससे बेहतर है, आपने काफ़ी महीनों से मेहनत करी है, काफ़ी चीज़ें आप चलते आ रहे हो, अल्कोहल से दूर रहो और फ्राइड आइटम्स बिल्कुल नहीं खाना हमने। एंड मेक श्योर जो चीट होगा वो सिर्फ दिवाली वाले दिन होगा। आपके घर पे अगर बहुत सारे स्नैक्स आ रहे हैं, दिवाली की चीज़ें आ रही हैं, फॉर एग्जांपल चिप्स आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक आ रहा है, फ्रूट जूसेस आ रहे हैं, वेराइटीज़ ऑफ मिठाई आ रही है, आप थोड़ा बहुत अपने पास रखो, टेस्ट के लिए 1-2 बाइट लीजिए, घर में सबको खिलाइए, उसको बाँट दो। अगर आपके घर पे होगा और स्पेशली वो डाइनिंग टेबल पे पड़ा होगा, डेफिनेटली चलते फिरते आपका हाथ जाएगा। सो अगर आपके घर पे कोई मिठाई आ रहा है, कुछ भेजे जा रही हैं, कोई चीज़ें आ रही हैं, आप इतना सा लो, उसको बांट दो, लोगों को दे दो, बट आप घर पे मत रखिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट लाइव सेशन, जो कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं मेरे पास। हम संडे की रात को करेंगे, तब मैं भी फ्री, आप भी फ्री, और हम करेंगे लाइव सेशन हाउ टू मैनेज एंगर या फिर एंगर मैनेजमेंट पे हम एक पूरा लाइव सेशन रखेंगे। मेरी हिस्ट्री, मैंने अपना एंगर मैनेजमेंट कैसे कंट्रोल करा, बिकॉज 2017, 18, 19 तक मेरा जो शॉर्ट टेम्पर रहा था माइंड का, बट नाउ आई एम लाइक वेरी कूल, काम एंड रिलैक्स वाला पर्सन। सो उसके कुछ वेरियस स्टेप्स हैं, सो वो क्या स्टेप्स रहेंगे, कैसे रहेंगे, हम संडे को लाइव पे डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट, टेक केयर जी, बाय बाय, नमस्ते।